नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके सपने YouTube चैनल रेल है तो देश है की एक और नई पेशकश में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्वालियर शिवपुरी गुन्हा रेल मार्ग और ग्वालियर भिंड इटावा रेल मार्ग के ऊपर। यहाँ पर विशेष तौर पे आज सारी जानकारियाँ आपको देने वाले हैं कि जो नई अपडेट है वो क्या निकल करके आ रही है। जैसा कि दो दिन पहले की जो खबर थी कि DRM साहब द्वारा जो ग्वालियर गुन्हा रेलखंड था उसका निरीक्षण काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया था, अब इसका क्या लाभ मिल सकता है हमारे जो ग्वालियर भिंड इटावा रेल मार्ग का, आइए जानते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले ये जो पूरी खबर है मैं आपको सुनाता हूँ। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने मंडल के अधिकारियों के साथ ग्वालियर गुन्हा रेलखंड का निरीक्षण पूरी तरीके से कर लिया है। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने रेलखंड पर स्थित छोटे बड़े रेल पुल पुलिया व रेल पथों संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों OHE लाइन एवं संबद्ध उपकरण सिग्नल प्रणाली आदि का सघन जो है निरीक्षण है वो किया गया है और कार्य क्षमता को परखा एवं बेहतर रखाव के संबंध में अधिकारियों से भी चर्चा की है। तो यानी कि इस विषय में इसके साथ ही पनिहार घाटीगांव शिवपुरी गुन्हा स्टेशन का निरीक्षण कर संरक्षा उपकरणों की कार्य क्षमता को परखा, साथ ही यात्री सुविधाओं को साफ सफाई का जायजा भी लिया है। शिवपुरी स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने माल गोदाम का गहन निरीक्षण किया एवं बेहतर रखरखाव एवं जो सुविधाओं को संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। गुना स्टेशन के निरीक्षण के दौरान DRM ने संपूर्ण स्टेशन परिसर का निरीक्षण भी काफ़ी उपलब्धि के साथ किया है। साफ सफाई का जायजा लिया, स्टेशन परिसर साफ सुथरा एवं यात्री अनुकूल बनाए रखने के लिए यहां पर मौके पर ही जो संबंधित जो निर्देश हैं वो स्टाफ को दे दिए थे। तो वो हिसाब से अगर जो रेलखंड को देखा जाए तो ये करीबन 200 किलोमीटर का रेल मार्ग है ग्वालियर से गुना के बीच में। अगर यहाँ पे अगर निरीक्षण हो सकता है तो ये हिसाब से ये जो हमारी जो स्वर्ण रेखा है जिसको हम बोलते हैं ग्वालियर भिंड और इटावा और उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवपुरी से गुन्हा रेल मार्ग ये करीबन बैठती है 350 किलोमीटर की। यहाँ पर एक लंबी दूरी की रेलगाड़ी का जो डाइवर्जन है वो काफ़ी आसानी से मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने जो उन सूची एक जारी की थी जिसमें कि बहुत प्रमुख गाड़ियाँ थी जिसमें एक गुवाहाटी की ट्रेन शामिल थी, वो भी इसी मार्ग पर 100% के साथ चल सकती है। तो आगे अगर कोई भी नई अपडेट आती है ग्वालियर इटावा सेक्शन को लेकर के तो उसके ऊपर मैं ज़रूर से नई अपडेट आप सभी के समक्ष में रखूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।